लिए कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज का पाठ केदारनाथ अग्रवाल जी की कविता चंद्र गहना से लौटती बहन। इससे पहले मैं आपका नव भारती परिवार में स्वागत करती हूँ। तो ठीक है, हम पढ़ते हैं केदारनाथ जी के बारे में। सबसे पहले इनके परिचय जान लेते हैं, क्योंकि आपकी पाठ्य पुस्तक में हमेशा एक प्रश्न आता है इसके बारे में। तो पहले इनके बारे में पढ़ लेते हैं। केदारनाथ अग्रवाल जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के तमासिन गांव में सन 1911 में हुआ था। उनकी शिक्षा इलाहाबाद और आगरा विश्वविद्यालय में हुई। केदारनाथ अग्रवाल पेशे से वकील रहे हैं। उनका तत्कालीन साहित्यिक आंदोलन से गहरा जुड़ाव रहा। मतलब तत्कालीन का मतलब होता है जिस समय इनका लेखन कार्य चल रहा था, जिस समय रचना लिख रहे थे, उस समय के जो साहित्यिक आंदोलन थे, साहित्य से जुड़े हुए आंदोलन थे, उनमें उनपे इन्होंने बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया था और उनसे गहरा जुड़ाव था इनका। सन 2000 में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं नीम के बादल, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, पंख और पतवार, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापे और कहे केदार खरी खरी। उनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं। उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। वह जो अज्ञेय द्वारा जो तार सप्तक की स्थापना की गई थी उसके अंदर भी इनको प्रमुख स्थान दिया गया है, दूसरे वाले सप्तक के अंदर। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। जन सामान्य का संघर्ष और प्रकृति सौंदर्य उनकी कविताओं का मुख्य प्रतिपाद्य है। जहाँ छायावादी कविताओं में मन के विचारों को बाहर घेरा गया था, अर्थात प्रकृति को अपनी आत्मीयता यानी प्रकृति से कहा जाता है स्थूल से सूक्ष्म की ओर जो चित्रण किया जाता था, वो छायावादी काव्य की विशेषता थी। लेकिन यहाँ पर प्रगतिवादी काव्य में जनता में हो रहे, यानी ऐसा मान लो आप उस समय जो जनता का शोषण हो रहा था, तो शोषक और शोषित दोनों वर्गों का उल्लेख प्रगतिवादी काव्य में किया गया। उनकी जो समस्याएं थी उनका उल्लेख किया गया, उनको अपने काव्य में अपनी रचनाओं में शामिल किया गया और उनकी जो पीड़ा थी उनको अपने रचनाओं के माध्यम से व्यक्त किया जाता था प्रगतिवादी काव्य, प्रगतिवादी धारा के अंदर। तो उसके ये प्रमुख कवि थे। इसमें उन्होंने जन सामान्य का संघर्ष यानी उस समय जनता किन किन संघर्षों को झेल रही थी उनके बारे में और प्रकृति के सौंदर्य दोनों का ही मुख्य रूप से इन्होंने वर्णन किया है। उनके यहाँ प्रकृति का यथार्थवादी रूप व्यक्त हुआ है जिसमें शब्दों का सौंदर्य है, ध्वनियों की धारा है और है स्थापत्य की कला। संगीतात्मकता उनके काव्य की एक अन्यतम विशेषता है, यानी उनकी जो मुख्य विशेषता है वो काव्य की वो क्या क्या है, एक तो शब्दों का सौंदर्य, दूसरा ध्वनियों की धारा, तीसरा उनकी स्थापत्य की कला और चौथा है संगीतात्मकता, यानी उसमें जो लयबद्धता है वो भी उनकी बहुत सुंदर है। बुंदेलखंडी समाज का दयानंदन जीवन अपने खुलेपन और उमंग के साथ उनके काव्य में अभिव्यक्त हुआ है। दयानंदन जीवन यानी डेली का जो रूटीन होता है, दैनिक जीवन जो होता है उसके बारे में बताया इन्होंने। केदार कविता की भाषा को लोक भाषा के निकट लाते हैं और ग्रामीण जीवन से जुड़े बिंबों को आत्मीयता के साथ प्रस्तुत करते हैं। आज आप कविता पढ़ने जा रहे हैं चंद्र गहना से लौटती बहन, ये इन्होंने आंखों देखा वर्णन किया है और इसमें मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है जिसको हम पढ़ेंगे। तो आपकी पाठ्य पुस्तक में जो कविता इन्होंने सम्मिलित की है उस कविता के अंदर है, प्रस्तुत कविता में कवि का प्रकृति के प्रति प्रेम गहन अनुराग व्यक्त हुआ है। वह चंद्र गहना नामक स्थान से लौट रहे हैं, गांव है जिसका नाम चंद्र गहना है, वहां से वो लौट रहे हैं और लौटते हुए उसके किसान मन को खेत खलिहान एवं उनका प्राकृतिक परिवेश सहज आकर्षित कर लेता है। वो चारों ओर जब खेत देखते हैं, उन खेतों को देख के उनके मन में क्या क्या विचार आते हैं, कैसे कैसे वो मान्यकरण करते हैं उन चीजों का, उन फसलों का, वो सब इस काव्य के अंदर है। इस कविता में कवि की उस सृजनात्मक कल्पना की अभिव्यक्ति है जो साधारण चीजों में भी असाधारण सौंदर्य देखती है और उस सौंदर्य को शहरी विकास की तीव्र गति के बीच भी अपनी संवेदना को सुरक्षित रखना चाहती है। यहाँ प्रकृति और संस्कृति की एकता व्यक्त हुई है। बच्चों आप जानते हो भारत जो है हमारा विविधता में एकता का देश है और बहुत सारी संस्कृतियां हमारे भारत देश में है जिसको लोग मानते हैं, लेकिन फिर भी इसमें एकता बहुत बड़ी विशेषता है। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। चंद्र गहना से लौटती बैल। देख आया चंद्र गहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला। कवि अकेला है और वो किसी कार्य से गया हुआ था और उस कार्य को करने के बाद भी जब वो वापस लौटा है तो वापस लौटते समय वो किसी खेत में होके गुजर रहा है। उस खेत में होके गुजरते समय वो एक खेत की मेड़ पर, जो मेड़ क्या होता है, जब आप खेत देखते हो तो खेतों में छोटी छोटी मिट्टी की डोलियां बनी हुई होती है। उन मिट्टी की डोलियों का क्या फायदा होता है, जब आप उन क्यारियों में पानी डालते हो तो वो पानी दूसरी क्यारी में नहीं जाता तो उसको मेड़ कहा जाता है। तो वो जो कवि है वो उस मेड़ पर आकर बैठ गया।
गया और वो अकेला है और कह रहा है कि चंद्रघना से वो लौट आया है, वहां उसने देख लिया है और वहां अब जो वो दृश्य देख रहा है वो खेत का खलिहान का दृश्य है। उस दृश्य को देखने के लिए वो खेत की मेड़ पर अकेला बैठा हुआ है। एक बीते के बराबर ये हरा ठिगना चना बांधे हुआ था शीश पर छोटे गुलाबी फूल का। अब यहाँ पर इन्होंने चने की जो झाड़ होते हैं, बच्चे चने का आपने पौधा देखा होगा तो वो कितना ही होता है, अब वो जो चने का पौधा है वो इन्होंने कहा है बीते के बराबर। बीता क्या होता है बच्चों, हमारा जो मेजरमेंट जो नाप होता है, नापतोल होता है, पहले के जमाने में ये जो मीटर वगैरह होते थे इन चीजों का कम ही उपयोग होता था तो लोग बाग हाथों का इस्तेमाल करते थे नापने के लिए। तो यहाँ पर बीता है या छोटी उंगली से लेकर के अंगूठे तक का जो ये नाप है ये बीते के बराबर माना जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर जो चने का पौधा है वो इतना बड़ा है केवल उंगली अपने अंगूठे से लेकर के छोटी उंगली तक का जो साइज है केवल इस साइज का वो हरे चने का पौधा है। अब ये कवि साहब क्या कह रहा है कि एक बीते के बराबर ये हरा ठिगना चना, ये छोटा सा पौधा, छोटा सा हरा चने का पौधा बांधे मुरैठा शीश पर, मुरैठा कहते हैं साफे को, छोटे गुलाबी फूल पर, यानी उसके ऊपर फूल आ रहे हैं गुलाबी रंग के, चने का जो झाड़ होते हैं पौधे होते हैं उनके ऊपर गुलाबी रंग के फूल आते हैं, तो जो गुलाबी रंग के फूल है वो ऐसा लग रहा है मानो चने के सिर पर साफा बंधा हो। अब यहाँ पर किसी प्रकृति की वस्तु को यहाँ पर सजीव मानते हुए वर्णन कर रहा है तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार आ गया बच्चों। ठीक है, तो हरा चने का जो छोटा सा पौधा है ऐसा लग रहा है मानो उसने अपने सर पर गुलाबी रंग का साफा बांध रखा है और वो सज धज के खड़ा है। पास की मिलकर उगी है बीच में अलसी हटीली, देह की पतली कमर की है लचीली, नील फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर। अब उस चने के झाड़ के पास में क्या है, अलसी का हटीला पौधा है। अब हटीली कोई जीव चीज होती है वो कैसी होगी, वो जो सजीव वस्तु होगी उसी को आप हटीली मानोगे, जैसे कोई मनुष्य है या कोई जानवर है कोई पक्षी है उसको आप हटीला मानोगे, लेकिन यहाँ पर हटीला किसको माना है, अलसी के पौधे को हटीला माना है। क्यों माना है, क्योंकि वो उसका स्वभाव जो होता है हटीला होता है, इसके जो फूल होते हैं इसकी जो देह देह मतलब पतली सी डंडी होती है इसकी और कमर भी लचीली है, मतलब जैसे हवा चलती तो वो हिलने लगती है और हिलती है तो वो लचीली उसकी कमर जो होती है, उसका जो झाड़ होती है इसकी जो पौधे की जो डंडी होती है वो हवा के हिलने पर वो भी हिलने लग जाती है। नील फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर उसके जो नीले नीले फूल है वो उसके शीर्ष पर आ रहे हैं, जो कि ऐसा लग रहा है कि उसके सिर पर उसने नीले फूलों को सजा रखा है। यहाँ पर बच्चों पास से मिलकर उगी है, यानी उस छोटे से चने के पौधे के पास में ही अलसी का पौधा भी आ रहा है जिसके अंदर नीले रंग के फूल आ रहे हैं और वो नीले रंग के फूल जो है वो ऐसा लग रहा है उसने अपने माथे पर सजा रखे हैं। देखो ये चित्र है, इस चित्र के अंदर आप देख रहे हो ये चने का पौधा है, चने का झाड़ है और चने के झाड़ में यहाँ पे आसपास जो है लोग मतलब आसपास की जो प्रकृति है वो भी इनका सहयोग कर रही है। चने के पौधे का मानवीकरण किया है यहाँ पे, उसको दूल्हा बना दिया और इसके साथ में सरसों आप आगे पढ़ेंगे सरसों को यहाँ पर दुल्हन बना दिया। तो इस प्रकार यहाँ पर जो निर्जीव चीजें हैं प्रकृति की जो अचेतन वस्तु उनमें प्राण डाल दिया अर्थात उनको मानवीकरण कर दिया। अब बच्चों अलसी अपने सर पर नीले रंग का फूल लगाकर क्या कह रही है, कह रही है जो छुए यह दूह देखा दान उसको, कि जो भी इस फूल को छुएगा उसको मैं अपना तन मन समर्पित कर दूंगी। अर्थात अब आप यहाँ पे भी देखा कि कैसे एक पौधा, कैसे एक छोटा सा पेड़ जो है, छोटा सा जो पौधा है वो कैसे अपना तन मन समर्पित कर सकता है, तो पूरी की तरह यहाँ पे मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है, सजीवता डाल दी उन्होंने इन शब्दों में, ये जो वर्णन किया है पेड़ पौधों का इसमें उन्होंने पूरी की तरह अपने चेतनता डाल दी उन्होंने अपने काव्य में। क्या कह रही है कि जो भी इस फूल को छुएगा, जो उसने सिर पर धारण किया हुआ उस फूल को छूने वाले को अपना मन समर्पित कर देंगे। और सरसों की ना पूछो, सरसों की तो बातें मत पूछो, हो गई सबसे सयानी, यानी आसपास जो है वो सरसों की भी खेती हो रही है और सरसों को, सरसों अब पक गई है तो कह रहे हैं कि वो अब सयानी हो गई है, बड़ी हो गई है, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी, कि उसके हाथ पीले हो गए अर्थात उसमें पीले पीले फूल आ गए हैं और पीले पीले फूल ऐसे लग रहे हैं मानो उसके हाथ पीले हो गए, मतलब उसका विवाह करने का अवसर आ गया है, वो बड़ी हो गई है सयानी हो गई है इसीलिए वो ब्याह मंडप में हाथ पीले करके आ गई है, यानी स्वयंवर हो रहा है यहाँ पर एक तरीके से।
फाग गाता मास फाल्गुन आ गया है आज। जैसे जैसे फाल्गुन के महीने में चारों ओर हरियाली छा जाती है और उस हरियाली में जो सरसों के पीले पीले फूल है वो भी सारे खेतों में छा जाते हैं, ऐसे ही ऐसा लग रहा है मानो फाल्गुन का महीना फाग गाते गाते आ गया है। बच्चों तो फाल्गुन के महीने में फाग गाया जाता है जो की होली के आने पर एक लोकगीत है फाल्गुन, जिसे गाया जाता है फाल्गुन के महीने में होली के आसपास गाया जाता है। तो ऐसा लग रहा है आज जैसे फाल्गुन का महीना फाग गाते आ गया है। देखता हूं मैं स्वयंवर हो रहा है, ऐसा लग रहा है मानो यहाँ पर स्वयंवर हो रहा है, यहाँ पर शादी का कार्य हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। और इस विजन में यानी इस दृश्य को देख करके जो प्रकृति है उसने अपना प्रेम रूपी आंचल फैला दिया है, यानी उसके बच्चे यानी जो छोटे छोटे पौधे हैं उनका स्वयंवर हो रहा है और उन स्वयंवर को आनंद लेते हुए उस परिवेश का आनंद लेते हुए जो प्रकृति है जो धरती है उसने अपना अनुराग रूपी आंचल प्रेम रूपी आंचल फैला दिया है। दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की भूमि उपजाऊ अधिक है, कि दूर किसी व्यापारिक नगर में किसी दूर नगर में व्यापार करने जाते हैं अगर व्यवसाय करने जाते हैं उससे तो अच्छा है प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है, कि हमारी जो उपजाऊ भूमि है जहाँ खेती बाड़ी होती है वो हमारे लिए ज्यादा अच्छी है क्योंकि वो प्रेम की भूमि होती है। और पैरों के तले है एक पोखर, और वही खेत के पास में छोटा सा तालाब है, छोटा सा पोखर यानी छोटा सा तालाब है, उठ रही है इसमें लहरियां, उसमें लहरें उठ रही है यानी जैसे हवा चलती है तो पानी हिलता है तो ऐसा लग रहा है मानो लहरें चल रही है। नील तल में जो उगी है घास भूरी ले रही वह भी लहरियां यानी नीले आकाश के नीचे उस पोखर के पास में उस तालाब के पास में छोटी छोटी क्या आ रही है घास आ रही है जो भूरे रंग की है, ऐसा लग रहा है मानो वो भी उस तालाब की लहरों के साथ में लहरें ले रही है। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा आंख को है चमचमाता है, कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, अर्थात इन पंक्तियों में हमें वर्णन कर रहे हैं कि जब तालाब के अंदर सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है तो सूर्य का जो प्रतिबिंब पड़ रहा है एक तो जब वो लौट रहा है उस समय शाम ढूंढने लगी है तो ढलती हुई शाम में जो सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है पानी के अंदर तो प्रतिबिंब वो लंबवत पड़ता है, लंबाई में पड़ता है, तो ऐसे लंबवत जो परछाई पड़ती है उसकी तो वो ऐसा लग रहा है मानो चांदी का कोई बड़ा सा गोल खंभा है जो आंखों को चकमकाता है, यानी आप पानी के अंदर सूर्य का प्रतिबिंब देखेंगे तो आपकी आंखों पर उसका फ्लैश पड़ता है, उसकी जब रोशनी आपकी आंखों में जाती है तो आपकी आंखें चौंधिया जाती है, अर्थात आपकी आंखों का आपकी आंखें जो है उस प्रकाश को सीधी रूप में ग्रहण नहीं कर पाती है। तो उसी समय ऐसा कह रहे हैं कि आंखों को चकमकाता है चौंधिया जाती है आंखें ऐसा होने पर है, कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, और वही आसपास क्या है बहुत सारे पत्थर है जैसा प्रतीत हो रहा है कि वो भी पानी पी रहे हैं। प्यास जाने कब बुझेगी, अब वो कह रहे हैं कि जब वो पानी पी रहे हैं वो कंटिन्यू लगातार पानी पीते ही जा रहे हैं उनकी प्यास पता नहीं कब बुझेगी कब उनकी प्यास पूरी होगी। चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में देखते ही मीन चंचल ध्यान मुद्रा ध्यापता है, वही पास में एक बगुला है जो की अपनी जो टांग है वो पानी में डुबा करके खड़ा हुआ है, उसके पांव जो है वो पानी के अंदर डूबे हुए हैं। जैसे ही वो चंचल मछली को देखता है, मछलियां जो होती है किसी भी आहट को पा करके उस स्थान को छोड़कर के दूसरे स्थान पे तुरंत चल जाती है, तो वही यहाँ पर हुआ है कि देखते ही मीन चंचल जैसे ही वो मछली को देखता है बगुला ध्यान निद्रा त्यागता है, उसकी निद्रा जो होती है उस मतलब वो जो ध्यान लगा के बैठता है चुपचाप खड़ा होता है पानी के अंदर, और जैसे ही कहीं पे हलचल होती है तो वहां पे फटाफट मछली पकड़ के उसका सेवन कर जाता है। तो उसकी जैसे वो हलचल देखता है मीन चंचल यानी जैसे ही चंचल मछली को देखता है तो उसका जो ध्यान होता है वो टूट जाता है। तो जैसे उस बगले की ध्यान निद्रा टूटती है त्यागता है वो चट दबाकर चोंच में नीचे गले के डालता है, तो मीन चंचल जो चंचल मछलियां होती है उनको फट पकड़ता है और उसको चट कर जाता है, उसके गले से नीचे उतर जाती है कौन मछलियां उसका भोजन बन जाती हैं। एक काली मांस वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर, अब वहीं पर एक क्या है एक काले माथे वाली चिड़िया है जो वो भी मछली खाती है, अब जैसे वो जो चतुर चिड़िया है वो भी क्या करती है जैसे उसे पानी में हलचल दिखाई देती है तो वो उसी मछली के ऊपर झपट्टा मारती है और फट उसको ले जाकर के खा जाती है।
एक काले मांस वाली चतुर चिड़िया, काले माथे वाली चतुर चिड़िया, श्वेत पंखों के झपटे मार, जिसके सफेद पंख हैं, उन सफेद पंखों का झपट्टा मार के टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। वो उस पानी से भरे हुए तालाब के अंदर टूट पड़ती है, अर्थात उस पे जो मछलियां आती है उनको शिकार बनाती है। एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर एक उजली यानी सफेद रंग की चटक कलर की जो मछली होती है उसको पीली चोंच में दबाकर दूर उड़ती है गगन में, उसको खाकर कहाँ उड़ जाती है, गगन में आसमान में दूर उड़ जाती है। बच्चों तालाब के पास में क्या क्या है, एक तो बगुला है जो ध्यान निद्रा में मग्न है और जैसे ही कोई मछली दिखाई देती है पानी के अंदर जैसे जैसे हलचल दिखाई देती है उसकी ध्यान निद्रा टूट जाती है और वो झट से उस मछली को खा जाता है, अपनी चोंच में दबाकर उसको अपने गले के नीचे उतार देता है यानी अपने पेट में पहुंचा देता है। और वही पास में काले माथे की चिड़िया है जिसके सफेद पंख है और पीली चोंच है, वो भी अपने सफेद पंखों को झपट्टा मार करके पानी के अंदर छलांग लगाती है और छलांग लगाकर वो अपनी पीली चोंच के अंदर उस सफेद मछली को दबाकर दूर आकाश में उड़ जाती है। ओ यहीं से भूमि ऊंची है जहां से रेल की पटरी गई है, ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं यहाँ सचंद हूँ जाना नहीं है। अब वही पास में क्या है, रेलवे ट्रैक बना हुआ, उस रेलवे ट्रैक से बहुत सारी गाड़ियां रेलगाड़ियां गुजरती है। अब रेलगाड़ियां गुजर रही है लेकिन अब वो कह रहा है कि अभी तो ट्रेन का कोई टाइम नहीं है, अब जब ट्रेन का टाइम नहीं है मुझे कहीं जाना ही नहीं है तो मैं क्यों किसी बात की चिंता करूं, मैं तो स्वतंत्र हूँ क्योंकि मुझे कहीं भी नहीं जाना। उसको किसी चीज की परवाह नहीं, किसी चीज की चिंता नहीं है, वो निश्चिंत होकर प्रकृति के सौंदर्य का आनंद ले रहा है, उसका पान कर रहा है। चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी का ऊंची ऊंची पहाड़ियां दूर दिशाओं तक फैली है और वहीं खेत के आसपास चित्रकूट की पहाड़ियां हैं जो कहीं से ऊंची है कहीं से नीची है, मतलब किसी की ऊंचाई ज्यादा है किसी की ऊंचाई कम है। तो ऐसी पहाड़ियां जो है वो दूर तक फैली हुई है, बहुत दूर तक पहाड़ियां हैं जो फैली हुई है। बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार रूप खड़े हैं और जो पहाड़ की भूमि है वो बांझ है, कहने का मतलब वहां कोई वनस्पति नहीं है, वहां केवल रीवा के पेड़ पौधे हैं। रीवा एक पेड़ होता है जिसमें कांटे होते हैं जिसका कोई सौंदर्य नहीं होता, दिखने में सुंदर नहीं होता है, तो इसलिए इसने कहा है कि इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार रूप खड़े हैं। कुरूप कांटेदार है, एक तो कुरूप है क्योंकि दिखने में सुंदर नहीं लगता, दूसरा कांटेदार है, तो ऐसे रीवा के पेड़ वहां फैले हुए हैं। सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता फुग्गे का स्वर टें 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 टें। अब सुग्गा क्या होता है बच्चों, जो तोता होता है उसको सुग्गा बोला जाता है, आपने भजन भी सुना होगा एक शायद, बोल सुआ राम राम मीठी मीठी वाणी है, तो वही यहाँ पे सुग्गा कौन है, तोता। तो तभी उसको किसको, लेखक को, कवि को क्या सुनाई देता है, मीठा मीठा रस टपकाता हुआ सुग्गे का, तोते का स्वर सुनाई देता है जो कैसा होता है, टें 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 टें। सुन पड़ता है वनस्थलि का हृदय चीरता और उसी के साथ में उसे क्या सुनाई देता है, इस वनस्थलि को चीरता हुआ किसका स्वर सुनाई देता है, तो वनस्थलि को चीरता हुआ उठता गिरता सारस का स्वर टेंटो टेंटो। उस तोते की आवाज के बाद में, तोते की मधुर आवाज सुनने के बाद में उसे वही पास में किसकी आवाज आती है, सारस का स्वर होता है, कैसा होता है, टेंटो टेंटो का स्वर आता है। मन होता है उड़ जाऊं मैं पर फैलाए सारस के संग, अब यहाँ पर कवि का मन क्या हो रहा है, कवि का मन उड़ने का हो रहा है, किसके साथ, सारस के साथ में पंख फैला करके उसका उड़ने का मन हो रहा है। जहाँ जुगल जोड़ी रहती है हर एक खेत में, और ये सारस जो होते हैं बच्चों वो जोड़े में रहते हैं हमेशा साथ रहते हैं, तो कवि यहाँ पर इसलिए कह रहे हैं कि मैं भी सारस के जैसे उड़ जाना चाहता हूँ उन जुगल, जहाँ पर जुगल जुड़ करती है यानी जहाँ ये हमेशा जुगल जोड़े में रहते हैं, मैं ऐसे स्थान पर उड़ना चाहता हूँ जहाँ प्रेम से लोग रहते हैं और हरे खेत में सच्ची प्रेम कहानी सुन लो चुप्पे चुप्पे। आप कवि कह रहे हैं यहाँ पे इस हरे खेत में जो प्रेम कहानी चल रही है, जो स्वयंवर चल रहा है, इस कहानी को मैं चुपचाप सुन लू, ये मेरी ख्वाहिश है, ये मेरी इच्छा है कि इस खेत का जो प्राकृतिक सौंदर्य है इसको मैं आराम से इसी तरह देखता रहूं और प्रकृति का जो रूप है, प्रकृति की जो सुंदर प्रतिमा है उसको मैं इसी तरह रसपान करता रहूं। तो बच्चों ये थी हमारी कविता चंद्र गहना से लौटती बह, आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।